क्या आपको पता काला धन स्विस बैंक में क्यों रखा जाता है? स्विस बैंक मामले हमेशा ही आप सुनते होंगे। काला धन की जब बात आती है तो राजनीति के लोग कहते मिलेंगे काला धन स्विस बैंक से लाएंगे, कब आएगा, इस तरह मीडिया में हमेशा खबरें आती रहती है। लेकिन काला धन स्विस बैंक में ही क्यों रखा जाता है, इस सवाल का जवाब आज हम देंगे। तो जानते हैं स्विस बैंक में काले धन का रखने मुख्य कारण है उस देश बैंक पॉलिसी। हम में से अधिकांश लोगों को लगता है कि यह स्विस बैंक कोई एक बैंक होगी, लेकिन यह नहीं है। स्विट्जरलैंड देशों में जितने भी बैंक हैं उन्हें स्विस बैंक कहा जाता है। उन बैंकों से यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की दो नंबर की बैंक है। स्विट्जरलैंड देश यह एक टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है। आप कितने ही पैसे रखो उसके लिए मामूली टैक्स देना पड़ता है, जो ना के बराबर आप कह सकते हो। इस देश में बैंकिंग सीक्रेट्स बहुत सख्ती से पालन कर करने पड़ते हैं। 1934 इस देश में एक बैंकिंग कानून पारित किया गया जिनके अनुसार स्विस बैंक धारकों की जानकारी किसी को देना या नाम यह बताना एक कानूनी अपराध माना जाएगा और उस बैंक पर कार्रवाई की जाएगी। इससे हालांकि स्विस बैंक चाहे तो भी नाम का खुलासा नहीं कर सकते। इस देश को सख्त कानूनों और दंड के लिए जाना जाता है। सरकार के अनुसार गोपनीयता नागरिकों के अधिकार है, जानकारी खाता धारक के सहमति के बिना खुलासा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अदालत इस मामले में सभी जानकारी व्यक्ति के रहस्यों का खुलासा का आदेश दे सकते हैं। स्विस बैंक में पैसे रखने का और एक कारण कि आपसे यह नहीं पूछा जाता कि यह पैसा कहां से आया है, आपने किस तरह कमाया है और आपको मामूली चार्ज देना पड़ता है। स्विस बैंक अपने खाता धारकों के लिए एक यूनिक संख्या प्रदान करता है। इससे खाता धारक को अपना नाम देने की जरूरत नहीं होती है। खाता धारक लेन देन इस यूनिक संख्या के साथ करता है जिससे खाता किसका है पता नहीं चलता है। यहां तक कि स्विस बैंक पता नहीं होता है कि खाता किसी का है जब तक बैंक जांच नहीं करती। यह कुछ कानून और बैंक नियम की वजह से काला धन स्विस बैंक में रखा जाता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।